भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरेली थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर लक्ष्मणिया पुल के समीप दो साइकिल सवार छात्रा को गुरुवार की शाम तेज रफ्तार बस ने रौंद डाला, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बस का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कजरेली थाना पुलिस, जगदीशपुर पुलिस, सजौर पुलिस और बाईपास थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से जाम को हटाया। इसके बाद पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेज दिया। मृतक छात्रा की पहचान कजरेली थाना क्षेत्र के कुमरत गांव निवासी प्रमोद चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री स्वाति प्रिया के रूप में हुई है। साथ ही स्वाति प्रिया की सहेली रवीना कुमारी, जो कि कुमरत निवासी पप्पू चौधरी की पुत्री है, वह घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्रा कजरेली स्कूल के 9वीं क्लास में पढ़ती थी और कजरेली बाजार ट्यूशन पढ़ने शाम 3 बजे साइकिल से गई थी। इसी दौरान शाम 5 बजे वापस लौटने के दौरान यह घटना हुई। मृतका के पिता प्रमोद चौधरी ने बताया कि 3 साल से मेरी बेटी स्वाति प्रिया कजरेली पढ़ने जाती थी, लेकिन आज घटना में उसकी मौत हो गई। मृतका स्वाति प्रिया, 2 भाई 2 बहन है, जिसमें कि दूसरी बहन स्वाति प्रिया है और 2 भाई छोटे हैं। मृतका स्वाति प्रिया के पिता प्रमोद चौधरी मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। वहीं कजरेली पुलिस ने पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ गई थी? स्कूल ट्यूशन पढ़ने। ट्यूशन पढ़ने? कोचिंग करने कहाँ जाती है? कजरेली। कजरेली कितने बजे निकली थी घर से? घर से कै बजे आज पढ़े? 2:30 बजे। 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे। ये घटना कब घटा? घटना, बच्चे का नाम क्या है? स्वार्थी प्रिया। उम्र कितना है? 14 साल। हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 9वां में। ये मतलब कितना बहन कितना भाई है? 2 बहन 2 भाई। ये सबसे बड़ी है? ये सबसे मझली है। मझली है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय 10th ADJ दिनेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में 5 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही सभी अभियुक्त को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दरअसल यह घटना सनोखर थाना कांड संख्या 17/2010 से जुड़ा हुआ है। घटना को लेकर अपर लोक अभियोजक बिंदेश्वरी लाल यादव ने बताया कि सनोखर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी नाकी निवासी भद्दो हरिजन की जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अपर लोक अभियोजक बिंदेश्वरी लाल यादव ने बताया कि 5 आरोपियों में मुख्य आरोपी सुबोध दास पेशे से शिक्षक था, जिसने मृतक का जमीन हड़पने की साजिश अपने सहयोगियों के साथ रचकर पूरे वारदात को अंजाम दिया था। गुरुवार को न्यायालय ने सुबोध दास, नरेश दास, मदन हरिजन, विशन दास और दशरथ हरिजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि घटना 14 साल पुरानी है, जिस कारण आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। जमानत के बाद निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया और 29 अप्रैल 2024 को 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। होली का टाइम था 2010 में, और होली के टाइम में वो अपना सामान खरीदने के लिए गया हुआ था अपना दुकान से सामान जो ही लेके जा ही रहा था कि रास्ते में जो है घात लगा, ये जिनको चढ़ा भी 5 आदमी ने घेर लिया, 6 आदमी ने घेरा, एक आदमी की मृत्यु हो गई, 5 आदमी जो है बुरी तरह से इनको मारपीट कर घायल कर दिया, मैंने अधमरा कर दिया। तब तक घर वाले आते आते उन लोगों को भी मारपीट किया और इसको हॉस्पिटल ले जाते क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इनको इन्फॉर्मेंट कौन था? इन्फॉर्मेंट जो है डिसीस्ट का भाई था, इनको जिनकी मौत हुई है। हाँ, डिसीस्ट क्या था? उसका नाम था भद्दो हरिजन, भद्दो हरिजन, और जो केस किया था बोगी दास। इसमें क्या कोर्ट में आज क्या मामला? मामला कोर्ट में जो है उन्होंने 29 तारीख को 29/4/2024
24 को जो है दोषी पाया था इसी केस में। दोषी पाने के बाद आज सेंटेंस विंडो पर रखा गया था। सेंटेंस विंडो पर जो रखा गया था उसमें आज पांचों आदमी को जो है, पांचों अधिक को आजीवन कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना नहीं देने पर 6 महीना जो है एक्स्ट्रा उनको जो है सजा गुजारना होगा और सभी सेक्शन में अलग अलग सजा को। ये विवाद क्या था, किस ये विवाद जो है इन लोगों का जो है पूर्व से था, जगह जमीन का विवाद था, इसको लेके लोग जो उलझा हुआ था उसी की वजह से किया। तबके के लोग थे जो मारने वाले थे, उसमें एक शिक्षक थे जो सुबोध दास, जो उनके कहने पर उनके सारे लोग अपना रिलेटिव जो है उनको बुरी तरह से मारे। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में गुरुवार की अहले सुबह झमाझम हो रही बारिश के बीच अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस गाड़ी धू धू कर जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार और आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे और अग्निशमन यंत्र के जरिए आग पर काबू पाया। बता दें कि इससे पहले भी सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में आग लगी थी, जिसमें कई एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई थी। सवाल यह है कि इतनी बारिश होने के बावजूद अगलगी की घटना कैसे हुई? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। गुरुवार की सुबह भागलपुर जिले में करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवा और बिजली भी गिरी। इसी दौरान नाथनगर प्रखंड के मथुरापुर हरिदासपुर गांव निवासी 17 वर्षीय युवक देवनारायण मंडल पर आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार देवनारायण सुबह करीब 8 बजे शौच के लिए खेत की तरफ गया था, तभी अचानक तेज बारिश के साथ बिजली गिरी और उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद मृतक के पिता और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। कखनी लग रही ठंडा? 8-9 बजे। की नाम छे जकरा ठंडा लगले? की नाम छे ओकरो जकरा ठंडा लगले? नारायण। कितना उम्र होते? उम्र 17-18। तोरो के छौ? हमरो बेटा आज के कै बजे लगले लगभग? वाह यार जे पड़े। 9 बजे। बिहार के भागलपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी पति पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए जलाने की कोशिश करने का आरोप है। आरोपी पति ने ना सिर्फ पत्नी को जलाने की कोशिश की, बल्कि दहेज ना मिलने पर दूसरी शादी भी कर ली। दरअसल सहायक थाना बाखरपुर निवासी रंजीत कुमार नामक युवक ने 11 मई 2022 को सोनम कुमारी से शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही रंजीत दहेज के लिए सोनम को प्रताड़ित करने लगा। सोनम का आरोप है कि रंजीत ने उससे 1.5 लाख रुपए दहेज लिए थे और शादी के बाद लगातार पैसे की मांग करता रहा और पैसा ना देने पर रंजीत उसे घर से निकालने और जान से मारने की धमकी देता था। सोनम ने बताया कि रंजीत ने 2 महीने पहले उसे अपने पिता से 5 लाख रुपया लाने के लिए कहा था। जब सोनम के पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो रंजीत ने उस पर केरोसिन छिड़क कर जलाने की कोशिश की। सोनम ने बताया कि वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकली और अपने मायके पहुंच गई। सोनम ने कहा
कि उसने अपने पति के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच रंजीत ने दूसरी शादी प्रियंका नामक महिला से कर लिया है। सोनम का आरोप है कि उसका पति पुलिस कर्मी है, जिसके कारण उसे न्याय नहीं मिल रहा है। सोनम ने वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम सोनम कुमारी है, मेरा घर महादेव अस्पताल है, मेरी शादी बाकरपुर में हुई है रंजीत कुमार यादव से। शादी के 10 दिनों बाद मारपीट शुरू कर दिया, 1.5 लाख रुपए का मांग किया, उन्होंने मेरे पापा ने पूरा किया 1.5 लाख रुपए का मांग, फिर 5 लाख रुपए का मांग करने लगा 1-2 महीने बाद। नौकरी लग जाने के बाद होमगार्ड में, तो फिर जान से मारने का भी कोशिश किया मेरे साथ, तो जान से मारने चला था। मैं कैसे भी बच के अपने नाना के घर चली गई, पास में ही था मेरे नाना का। लड़का क्या करता है? होमगार्ड में नौकरी लगा था, लेकिन घर में ही रहता है।